साथियों नमस्कार। आज हम शिक्षण संग्रह के फॉर्मेट शिक्षण योजना पर आधारित कक्षा 5 के विषय गणित के एक प्रकरण का लेसन प्लान बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं टीचिंग प्लान। क्योंकि अब लेसन प्लान नहीं बनाना है, हमें टीचिंग प्लान बनाना है। इसका लर्निंग आउटकम क्या होगा? बच्चे 2 अंकों से अधिक अंकों की बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्याओं को बता पाएंगे। प्रकरण है हमारा बड़ी संख्या और छोटी संख्या। सीखने सिखाने की सामग्री या TLM बोल सकते हैं, पाठ्य पुस्तक, ब्लैक बोर्ड, चौक, संख्या चार्ट एवं अंकों के फ्लैश कार्ड। पूर्व ज्ञान, बच्चों को क्या आना चाहिए? बच्चों को अंकों के स्थानीय और अंकित मान की जानकारी है। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां। शिक्षण की शुरुआत में, शिक्षण की शुरुआत में समय 5 मिनट। शिक्षक संख्या चार्ट को दिखा के बच्चों से अलग अलग प्रश्न पूछेगा, जिससे बच्चों के पूर्व ज्ञान की परीक्षा हो सके। बच्चों 1 से लेकर 9 तक के अंकों में बड़ी संख्या कौन सी है? तो उसका उत्तर बच्चे देंगे 9। बच्चे सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो बच्चे उत्तर देंगे 1। शाबाश। अच्छा बच्चों यह बताओ, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो बच्चे आंसर देंगे 99। अच्छा यह बताओ कि इसमें 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो वो उत्तर देंगे 10। शाबाश, सभी ने सही उत्तर दिया। तो इसमें हमने आकलन के जो तरीके इस्तेमाल करे हैं और जो तकनीक इस्तेमाल करी है, वो है प्रश्नोत्तर कौशल एवं दृश्य श्रव्य विधि का इस्तेमाल किया है हमने। अब शिक्षण के दौरान, अब टीचर शिक्षण स्टार्ट करेगा और शिक्षण के दौरान कुछ गतिविधियां कराएगा और बच्चों से प्रश्न पूछेगा। तो इसका समय क्या है, निर्धारित समय? ये हमें लगभग 20 से लेके 25 मिनट तक करनी है। बच्चों को अलग अलग ग्रुप बना दिया है, बच्चों को अलग अलग संख्या चार्ट दे दिए हैं। संख्या चार्ट इस तरीके से देने हैं कि छोटे बच्चे के पास में, जिसकी हाइट छोटी है उसके पास में छोटा अंक हो, और उससे बड़े के पास में उससे बड़ा अंक हो, और सबसे बड़े वाले या लंबे बच्चे के पास में सबसे बड़ा अंक हो। समूहों में विभाजित कर देंगे और उनको बोलेंगे कि आप इनसे अंक बनाइए, संख्याएं बनाइए इन अंकों की मदद से, और उनको अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चे अलग अलग लिखेंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि इनको आरोही और अवरोही क्रम में लगाइएगा। तो एक गतिविधि कराएंगे। क्या होगी गतिविधि? सबसे छोटा बच्चा होगा, वो अपने या तो सामने दिखाएगा अपने अंक को या सिर के ऊपर दिखा सकता है। 3 अंक है उसके पास मान लीजिए, दूसरे के पास में 5 अंक है, उससे बड़े के पास में 8 अंक है। तो ऐसे खड़े हो जाएंगे सारे बच्चे। अब हमें बताएंगे कि जिस तरीके से आप खड़े हो, तो ये जो संख्या बनी है 358, ये आरोही क्रम में अंक लगाने पे बनी है। 3, 5, 8। और एक एक संख्या को हम पूछे कि भाई आरोही क्रम क्या है इनका, तो 3, 5, 8 और संख्या जो बनी वो 358 ये बनी है, नीचे से ऊपर तक। अब दूसरा इसका उल्टा करेंगे, बड़े वाले बच्चे को पहले खड़ा करेंगे और छोटे वाले बच्चे को सबसे बाद में। तो बोलेंगे जी सबसे पहले अगर बड़ी संख्या आई है 8, फिर 5, फिर 3, तो ये हो गया अवरोही क्रम, या 853 हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, आरोही क्रम हो गया और अवरोही क्रम हो गया। अब शिक्षण के बाद में, इस तरीके की एक्टिविटी के बाद में और अंक दे देंगे बच्चों को, तो वो अपने हिसाब से लगा लेंगे, समझ में आ गया होगा उनको। फिर हम शिक्षण के बाद में क्या करेंगे, नए शब्दों और प्रत्ययों की पुनरावृत्ति करवाएंगे। उनसे पूछेंगे आरोही आया नया, तो आरोही का क्या मतलब होता है? उनको बताएंगे आरोही, आरोहण मतलब चढ़ना होता है, चढ़ने का मतलब छोटे से बड़ा। अवरोही बताएंगे, अवरोहण मतलब किसी भी चीज़ से नीचे उतरना, तो बड़े से छोटा। और आकलन करेंगे उनके, उनके कार्य देख के, वो क्या नंबर लिख रहे हैं उनको देख के करेंगे। और फिर
अंत में गृहकार देंगे उनको, अभ्यास पुस्तिका से गृहकार देंगे। फिर दूसरे दिन उनका होमवर्क चेक करेंगे और जो आकलन में उभर के आई होंगी कमजोरियाँ, उनके लिए आगे की शिक्षण योजना बनाएंगे। धन्यवाद।